हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको SSC CHSL 27 जनवरी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस, फुल क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपने बहुत हेल्पफुल होंगे आगे के SSC के एग्ज़ाम में। प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चंस क्या है? By which amendment the 9th schedule has been introduced in the Constitution of India? तो आप ऐसे ninth schedule has been introduced in the Constitution of India, तो आपको ये पता होगा कि अपना जो फर्स्ट अमेंडमेंट है Constitution of India का, intact है 1951 में। Made several changes in fundamental right provisions of the constitution by which amendment has been inducted into constitution। तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट अमेंडमेंट। भाई फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू क्या है? चिल्का लेक इज लोकेटेड। तो इसमें पूछा गया था कि चिल्का लेक कहाँ लोकेटेड है, तो ऑप्शन था उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो ये आप उड़ीसा में लोकेटेड है। उड़ीसा में और कहाँ है? पुरी में लोकेटेड। पुरी में और कौन सी जगह पे? तो खुर्दा एक जगह है उसमें लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में पुरी खुर्दा में ये लोकेटेड है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन नंबर है, हु इन्वेंटेड द डिश वॉशर? तो डिश वॉशर अपने इन्वेंट किए थे जोसफाइन कॉकरेन। ठीक है दोस्तों, तो अपने कौन इन्वेंट किया था डिश वॉशर? जोसफाइन कॉकरेन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है, ये 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स। तो 10 डिग्री चैनल्स कौन सेपरेट करता है? तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लिटिल अंडमान एंड कौन सेपरेट करता है? कार निकोबार। ठीक है दोस्तों, कार निकोबार करता है। 10 डिग्री जनरल को सेपरेट कौन करता है? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो ये दोनों कहाँ पर है आपके लोकेटेड? तो ये दोनों बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड दोस्तों। ठीक है, फिर आपका और एक क्वेश्चन आ सकता है कि 8 डिग्री चैनल क्या है, किसको किसको सेपरेट करता है? तो 8 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप एंड मालदीव आइलैंड को सेपरेट करता है। मालदीव आइलैंड 8 डिग्री चैनल आप लक्षद्वीप और मालदीव आइलैंड को सेपरेट करता है। देखिए दोस्तों, मिनकोय में है ये। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या है? नेम द इंडियन ऑन होम द यूनाइटेड स्टेट इश्यूज स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प। तो इनका नाम क्या है? MS सुभालक्ष्मी। MS सुभालक्ष्मी, तो इनको ऑनर किसने मिला? ऑनर इनको किया गया कर्नाटिक म्यूजिक लेजेंड को इनको सम्मानित किया गया। MS सुब्बलक्ष्मी ऑनर कर्नाटिक म्यूजिक लेजेंड। तो यूनाइटेड इश्यूज किए थे स्पेशल प्रोसीडिंग में इन द नेम ऑफ MS सुब्बलक्ष्मी।
ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच नोन टू द मैन। तो डीपेस्ट ट्रेंच सब लोग जानते होंगे कि क्या है, मराइना है, मरीना ट्रेंच है। ये लोकेटेड कहाँ है आपका? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ठीक है दोस्तों, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, ईस्ट ऑफ मरीनर। और ये कितने किलोमीटर में है? 2500 किलोमीटर में सराउंडेड है, 2550 किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। सेवेंथ क्वेश्चन नंबर क्या है? विच इज द ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल इज सिचुएटेड। तो पट्टाडकल आप जानते होंगे, एक कर्नाटक में सिचुएटेड है, कर्नाटक में सिचुएटेड है। और इसको यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8 की, 7 की। वेयर इज द अम्बराबाद टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो इसमें क्वेश्चंस में ऑप्शन थे आपका आंध्र प्रदेश था, फिर उड़ीसा था, फिर वेस्ट बंगाल था और तेलंगाना था। तो इसका आंसर है तेलंगाना दोस्तों, इसका आंसर है तेलंगाना। और अम्बराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ सिचुएटेड है? तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या है? व्हेन द कलिंगा वार फोर्ट, व्हेन वाज द कलिंगा वार फोर्ट। तो कलिंगा वार आपका फोर्ट वाज था 262 to 261 BC। ठीक है दोस्तों, ये किसके इसके बीच में हुआ था? तो ये मौर्य एम्पायर और अशोका के बीच में। ठीक है, और ये कहाँ था पहले? वो सिचुएटेड था उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आपका कलिंगा सिचुएटेड था पहले। तो ये 262 to 261 BC में हुआ था कलिंगा वार मौर्य एम्पायर एंड अशोक के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, दोजोन गाजा इज विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज बिलोंगिंग टू विच कंट्री। तो ये आपका भूटान है, इसका आंसर भूटान। उसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। ठीक है दोस्तों, भूटान इसका आंसर है। दोजोन गा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज बिलोंगिंग टू विच कंट्री। तो ये भूटान थिम्पू है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन 10th की ओर। 10th क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला। तो ये सब आप जानते ही होंगे, H2O ऐसा फॉर्मूला। ये तो सभी इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। अब क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर द बुक अवर इम्पॉसिबल लव। तो इसका आंसर है दुर्जोय दत्ता। ये एक नॉवेलिस्ट है, नॉवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर और एंटरप्रेनर है। उन्होंने बुक लिखा था अवर इम्पॉसिबल लव, दोजी दत्ता ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? हु वाज द सिक्स्थ लोकसभा स्पीकर हू लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट। तो इसका आपका आंसर है नीलम संजीव, एन संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, ये सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, ये सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये कब से कब तक बने थे? 1977 to 1982 तक के लिए बने थे।
हु वाज द सिक्स्थ लॉन्गेस्ट मैन देयर हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट। तो ये सिक्स प्रेसिडेंट भी थे और सिक्स लोकसभा स्पीकर भी थे। तो एन संजीवा रेड्डी है, एन क्या हो गया नीलम, NEELAM नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड वेयर। तो ये प्रिजर्व किया गया अपने लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट में किया गया, लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। अपना ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व हुआ, तो लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली आंसर होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की। 14th क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट मैच इस व्हेन वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट मैच प्लेड। तो आपका फर्स्ट क्रिकेट मैच कब हुआ था, 15th मार्च 1877। बिटवीन कहाँ पर हुआ था ये, मेलबोर्न में हुआ था, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, क्रिकेट ग्राउंड ही का ऑस्ट्रेलिया में है ये। और किसके किसके बीच हुआ था, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और इसमें डिफीट कौन किया, विनर कौन था, विनर था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, व्हाट वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट मैच गेम इज प्लेड, 15th मार्च 1877 मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, और विनर इसका था ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15th क्या है, विच एलिमेंट हैज द हायर एटॉमिक नंबर देन एल्यूमिनियम। तो इसमें ऑप्शन था आपका कि नियन है, आर्गन है, कार्बन है या एल्यूमिनियम है। तो एल्युमिनियम तो दिया ही गया था, तो इसमें ऑप्शन और थे नियन, आर्गन, कार्बन। तो आपका इसका आंसर होगा आर्गन, क्योंकि आर्गन का आपका 18 एटॉमिक नंबर, बाकी कार्बन का आपका हो गया 6, कार्बन का 6 हो गया, फिर आपका नियन का 10 हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आर्गन, आर्गन होगा इसका आंसर, आर्गन 18। आपका क्वेश्चन क्या है, विच टीम वन द वेरी फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर है ऐसे, वेस्ट इंडीज़ का आंसर है। तो ये कब जीते थे, 1975 में जीते थे। ये किसको हराए थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराए थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया को हराए थे। और आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको वेस्ट इंडीज़ कितने बार विन किया है वर्ल्ड कप, तो वेस्ट इंडीज़ 2 बार विन किया है सबसे ज़्यादा। फिर इंडिया आपका कितने बार किया, इंडिया भी 2 बार किया है। इंडिया कब कब किया, इंडिया आपका 2 बार किया है, एक 1983 में किया जीता है, और एक 2011 में इंडिया जीता है। ठीक है, फिर आपका सबसे ज़्यादा बार जीता है, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार जीता है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ विच वन ऑफ द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वेस्ट इंडीज़ है 1975 में, तो ये ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को, और ये कितने बार, 2 बार विन किया वर्ल्ड कप, और इंडिया ने भी 2 बार विन किया 1983 और 2011, और सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने किया 5 बार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। BCG वैक्सीन इज इफेक्टिव फॉर, तो BCG आप पता होगा इसका फुल फॉर्म बेसिली कैलीमिटी ग्यूरिन, इसका ऑप्शन है इसका बेसिली कैलीमिटी ग्यूरिन। और ये इफेक्टिव अगेंस्ट क्या होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस के इफेक्टिव, ट्यूबरक्लोसिस।
ट्यूबरक्लोसिस में ये BCG वैक्सीन इफेक्टिव रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच पोस्ट एमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट। तो जैसे आपका प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट की एज लिमिट क्या है आपका 35, वाइस प्रेसिडेंट की भी एज लिमिट क्या है 35, और प्राइम मिनिस्टर के बनने की एज क्या है आपकी 25, और गवर्नर के बनने की एज क्या है 30। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे पूछा है तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड मोस्ट सीनियर प्राइम मिनिस्टर। ऐसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, गवर्नर भी होता है, तो गवर्नर हो सकता है इसका आंसर, कि गवर्नर होगा सेकेंड मोस्ट सीनियर। चीफ जस्टिस भी होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट आंसर होगा इसका आपका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्या कैपिटल ऑफ रांची, तो आप जानते होंगे धोनी जी का है झारखंड। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 थे, वचन ऑफ द हु वाज द फाइनेंस एडवाइजर ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अकबर। फाइनेंस एडवाइजर का नाम था इसका राजा टोडरमल, TODARMAL, इनका नाम था राजा टोडरमल। वॉज द फाइनेंस एडवाइजर ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अकबर, तो इनका नाम है राजा टोडरमल। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़